मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हिम्मत का पहला दिन है स्कूल का। सुबह मैंने थोड़ी सी शूट करने की कोशिश की थी पर वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, सो नहीं की है। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड हमने खाया है ब्रेकफास्ट में ओट। डिनर में मोस्ट प्रॉब्ली हम बनाने वाले हैं पालक पनीर। तो अब समय आता है आज की वीडियो को एडिट करने का। एडिट काम का काम शुरू करने वाली। कल मैंने बनाया था नींबू का अचार, जिसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे, अगर आप देखना चाहे तो। पहले मैंने सोचा था कि शूट कर लेती हूँ पर मैं नहीं किया। एंड देन हमें जल्दी सोना था क्योंकि आज हिम्मत का पहला दिन था स्कूल का। क्योंकि जब हिम्मत की छुट्टियां थी हम लोग मजा कर रहे थे, आराम से सोते थे और आराम से उठते थे, पर अब हमें उठना ही पड़ेगा 6:50 पे। एंड आज हम हिम्मत को ड्रॉप करके आए हैं सुबह में। और हिम्मत बहुत ज्यादा खुश नहीं था, पर नेक्स्ट कल से हिम्मत बस में जाएगा और हमारी जो स्कूल की बस है वो घर के बिल्कुल पास ही आएगी। एंड यस, दैट्स अपडेट अबाउट हिम्मत। देखते हैं हिम्मत कैसा रिव्यू देता है स्कूल से आके। वैसे पर ये अच्छा हुआ है कि जब हमने कैलगरी मूव किया था तभी हमने हिम्मत को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। आई थिंक 10 दिन थे हिम्मत के मुश्किल से स्कूल जाने के लिए। एंड उसने फ्रेंड्स बना लिए थोड़े। एंड लकीली जो टीचर उसे वो लास्ट 10 डेज में मिली थी Grade 2 में, Grade 3 में भी उसे वही टीचर मिली है, सो दैट्स गुड। आज जब हम उसे ड्रॉप करने गए थे टीचर ने उसे पहचान लिया। टीचर से हे हिम्मत, हाउ आर यू, तुम तो लंबे हो गए हो, सो दैट्स नाइस। वीडियो को एडिट करना मैं शुरू कर लूँगी, आप देखते हैं कितनी होती है। एंड दिन के बीच 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 करते जाएंगे क्योंकि आज मैं जल्दी सोना चाहूँगी क्योंकि हिम्मत मेरे साथ सोता है एंड अगर मैं जल्दी नहीं सोऊंगी तो वो भी नहीं सोता है। जब उसके साथ उठना होता है ना तो मुझे भी रेस्ट चाहिए, अदरवाइज मैं लेट देर तक बैठ के एडिट करती रहती थी। बट नॉट एनी मोर, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू यू नो, वी हैव टू डू सम ऑर्गेनाइजिंग। टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा। बाय। You were just a baby when you had a baby, but you knew what to do. हेलो खूबसूरत दोस्तों, दिस इज़ फ्यूचर मी। आज मैं व्लॉग कर रही हूँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा सखी सहेली सेशन करते हैं हमारे पास्ट वाले वीडियो में। आज मैं आपके साथ बात करने के लिए आई हूँ सेल्फ लव को लेके। सेल्फ लव का वर्ड आपने बहुत सुना होगा, आजकल तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा चल रही है। सेल्फ लव एक्चुअल में क्या है? सेल्फ लव है अपने आप को प्यार करना, जैसे भी आप हैं, जैसे भी आप दिखते हैं, जैसे भी आपकी अपेयरेंस है, जो भी आप में कमियाँ हैं उस सबको एक्सेप्ट करना और अपने आप से प्यार करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि इससे हमारा जो सराउंडिंग है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना तो हमें ज़िंदगी खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। लड़कियों के लिए स्पेशली है, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं ना तो हज़ारों गलतियाँ हमें मिलती हैं। हमें हमारी शक्ल नहीं अच्छी लगती, हम मोटे हैं, हमारा चेहरा काला है, स्कार्स हैं चेहरे पे, बहुत आसान है हमारे लिए। सो जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते ना हमें सब कुछ बुरा लगना शुरू हो जाता है और हम बहुत अनहैप्पी भी हो जाते हैं। इसीलिए आजकल हर कोई कह रहा है कि सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें, पर सेल्फ लव को प्रैक्टिस कैसे करें इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स जो मुझे पता है। इतनी ज़्यादा मुझे चीज़ें पता नहीं है पर जड़ी एक अद्धी चीज़ मुझे पता होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि की भी मदद हो जाए। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप, जो हम अपने आप से बात करते हैं ना उसे पॉजिटिव तरीके से करना। अगर आप मेरी तरह वर्गो है तो आपका दिमाग हमेशा चलता रहेगा। मुझे लोगों में नुक्स निकालना बहुत आसान लगता है क्योंकि मुझे बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी पता चल जाता है कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। सो मैं सिर्फ लोगों के लिए ऐसा नहीं करती हूँ, मैं खुद के लिए भी ऐसा करती हूँ, बल्कि मैं खुद में ज़्यादा गलतियाँ निकालती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ करती हूँ, जो कि बहुत डैमेजिंग है आपकी सोल के लिए। आपकी सोल को क्या चाहिए, आप उसकी तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड दिखाएं एंड वो हैप्पी हो जाएगी। जब वो हैप्पी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी हैप्पी हो जाएगी। एंड इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई थॉट्स क्रिएट करते हैं कोशिश करिए कि वो पॉजिटिव हो अपने आप को लेके, कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। अगर आप अपना घर संभालते हैं ना तो उसी लिए अपने आप को थैंकफुल करें, ग्रेटिट्यूड दिखाएं कि यार तू कितना सोना कार संभालती है, तुम्हारा घर कितना अच्छा है, तुम अपने बच्चे से कितना प्यार करती हो, जो भी आपको आता है। नेक्स्ट है कि जो भी
भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको इन्हेंस करना है और अपने आप को बताना है कि यार तुम्हें वो बहुत अच्छा है, और जो आपकी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करें एंड इग्नोर करें, क्योंकि हमें उससे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो थॉट्स आप क्रिएट करेंगे वो डबल अप होते जाएंगे, थॉट्स ही चीज़ें बन जाती हैं। सो हमें बिल्कुल नहीं बताना कि हमें नेगेटिव क्या है, हमें अच्छा क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। अगला है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं अपने आप को, किसी की मदद ले लें, किसी के साथ बातचीत कर लें, अपने अंदर चीज़ों को दबा के मत रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा ख़तरनाक कुछ हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। सो ज़रूर से किसी समझदार बंदे के साथ बात करें जो आपको प्यार करता है, जो आपको प्यार नहीं ना करता उससे मत करें, क्योंकि वो और तेल चिक्के और डाल देगा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जो चीज़ें करने में आपको मज़ा आता है वो और ज़्यादा करें, क्योंकि जो चीज़ें आपको करने में मज़ा आता है वो आपका गिफ्ट होता है। वो चीज़ें अगर आप करेंगे, आपको कोई पैसे भी नहीं देगा ना, तो आप फिर भी करेंगे, दैट मीन यू आर सपोज टू डू दोज थिंग्स, और उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप मर्डर करने के लिए निकल जाओगे, बहुत मज़ा आ रहा है, किसी भी चीज़ का, किसी भी जीव जंतु कीड़ी गाढ़े का, किसी भी बंदे का नुकसान नहीं हो रहा, किसी का दिल नहीं दुख रहा ना, वो चीज़ आप करें एंड उसमें आपको मज़ा आता हो, तो वो चीज़ आपके लिए है। वो चीज़ें करें, उनको इन्हेंस करें, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको और निखारें, बहुत अच्छा फील होगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप में अच्छा क्या क्या है। और आप पे जो भी इम्परफेक्शंस हैं ना उसे एक्सेप्ट कर लें, इट्स ओके। अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, एक्सेप्ट करें एंड अपने आप को कहें कि यार इट्स ओके, यू आर गुड इनफ। एंड लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आपके दिल में ग्रजेस हैं किसी के लिए उसको निकाल दें, फॉरगिव कर दें, फॉरगेट मत करें। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है उसको भूलें बिल्कुल मत, क्योंकि भूलेंगे तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को दोबारा से डाल देंगे। भूलें बिल्कुल मत, पर फॉरगिव कर दें। फॉरगिव करना है उस आत्मा को माफ़ कर दें कि जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है, एंड उससे उसकी मदद से ज़्यादा आपकी मदद होगी, क्योंकि जब हम ग्रजेस रखते हैं और नफ़रत रखते हैं एंड हेट्रेड रखते हैं ना, तो इसका है कि आप जहर पी रहे हैं खुद से, और आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा मर जाए। वो नहीं मरेगा, उसको शायद कुछ पता भी नहीं चलेगा, और आप खुद से अंदर 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 मरते जाते हैं। सो फॉरगिव कर दें, फॉरगेट मत करें, इससे आपकी बहुत मदद होगी। एंड मेडिटेट करें, दिन में 5 मिनट निकालें अपने लिए, मेडिटेट करें, शांति में बैठें अपने थॉट्स के साथ, साइलेंट में, पीस में, बहुत अच्छा फील होगा दोस्तों। बस यही है सेल्फ लव, इसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर अपने आप से प्यार करें, क्योंकि आप ही हैं अपने पास जो हमेशा रहेंगे। बाकी जो भी आपके साथ बंदे जुड़ते जाते हैं, टूटते जाते हैं, पर यू आर द ओनली वन हु गोना स्टे विद यू अंटिल यू डाई। सो अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनने के लिए लगता ये है कुछ नहीं है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर से करें अपने आप से। कांग्रेचुलेशंस And Sally, how was your day? Good. You had fun? Mm-hmm. You made new friends? Mm-hmm. What's his name? I don't know. No? I love you. Me too. You finish your pasty? Mm-hmm. Put it away. Somebody's coming. How was your day, Bugni? Bugni? What is Bugni? Oh! Abraham sister, hey. Okay, so मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारा सा टेबल क्लॉथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी टेबल है प्रोटेक्टेड रहे, और मुझे लगता है कि ये अच्छा फॉल कलर्स वाला है और अच्छा लगेगा। चलो इसको बिछाते हैं। You were my very first soulmate. दिया मैंने, पर इसके ऊपर बिछाने के लिए मुझे वो ट्रांसपेरेंट सिल्क स्मूथ सा वो जो होता है कि बोल दिया बहू इन प्लास्टिक वाला कवर वो बिछाना है, वो लेके आना पड़ेगा मुझे। पर यार इधर साइज ठीक है, पार्क चल दे तू, कभी गई है देना पार्क? यस चल फिर चल, हमेशा दे जानी है, मैं तैयार हूं चल दे। अगर तू ही मेनू 30 मिनट दो तो सब्जी बन जाएगी, फिर रोटी रानी ला लेनी। हाँ सब्जी तड़का ला दा, प्याज से कटा हुआ मन्ने, इतनी छेती नहीं जानते लोग की। केड़ा ने 7 o'clock आना, तू पीछे जाके उनमें लिव ना खेल ला, जो तू चल जी मैं लिव नहीं आया ना।
ओके, सो आज डिनर के लिए हमारे घर बनने वाला है पालक पनीर। जो मेरा रेगुलर फूड प्रोसेसर है वो खराब हो चुका है दोस्तों, तो ये गाइस डैडी दे बूट आ गया और डैडी खुश, बट आई डोंट थिंक ही गोना शो इट टू यू गाइस, ही इज वेरी मीन। आई शो मीमी दिखा दे। ओके दोस्तों, पति ने लिए हैं शूज। पति ना सिर्फ एक ही चीज खुश होकर खरीदते, वो है शूज। कपड़े सड़े वड़े पा लेंगे, लाल पीले मारियो वाली टी शर्ट्स, शूज ले दो। एक बार मुझे याद है कि इजी शूज कितनी मुश्किल से मिल रहे थे और काफी महंगे, एंड लाइन अप लगता था जब वो लॉन्च होते थे। पति बेचारे एक दिन सवेरे चले गए लाइन च लगन 6 बजे, और इनकी टर्न आई 5-6 घंटे बाद, और इनका साइज भी नहीं मिला, और मिला किसको? मुझको। सो पति ने कहा कि यार इनको मैं इनके पास मेरा साइज नहीं है, मैं तेरे लिए ले रहा हूँ। मैं शूज़ की इतनी ज़्यादा फैन नहीं हूँ, पर ऐसे 2 बार हुआ। सो इतने प्यारे स्टाइलिश शूज़ ईजी 2 बार मुझे मिले, बिना चाहे, मतलब कि बिना मेहनत की है। चाहा तो मैंने होगा कहीं ना कहीं, पर बिना मेहनत। या मेरे हस्बैंड को शूज बहुत पसंद है। नजर लगी, आप बोलते रहे थे कुकिंग वीडियोस बनाओ कुकिंग वीडियोस बनाओ, सारे के अंदर नहीं, तुम्हारे कहां से दोनों ही टूट गए। एक दिन जो दूसरा प्लास्टिक का है वो जल गया, चलने चलते आग लग गई उसको, और ये ग्लास का है ये भी टूट गया, और ये बहुत पुराना है। जब हम कनाडा में आए थे ना, मैंने लगा दूसरे तीसरे दिन खरीदा था मैंने ये। इन है बेचारा $25 था, पर फिर भी 10 साल निकल गए इससे। पर यार अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, हम कितना में पीसा। ओके दोस्तों, पार्क से घूम के आ चुके हैं हम, एंड मैं बनाने वाली हूँ रोटी। हस्बैंड चाहते हैं कि तंदूरी स्टाइल रोटी बनाओ, तवे को उल्टा करके। मेरा पता नहीं मेरे पास वो तवा है या नहीं, या हाउस को मूव करते हुए मैंने कहते सोट देता है, नॉट वेरी श्योर। ट्राई करते हैं। आटा गुन्ना हुआ है। जाने से पहले मैं डिशेस को भी क्लीन कर गई थी, तो ये भी हमारा चक्कर नहीं है। पर अभी मेरी आज की वीडियो को एडिट करना बाकी है, एंड सारे काम है मुझे करने के लिए, और बंदा कल्ला हूँ मैं। पूरे मेरे क्रू मेंबर्स में एक ही नाम है मी, और घर को भी मैं पूरी अच्छी तरह संभालना चाहती हूँ, पूरा बेस्ट। बहुत काम हो जाता है। सो यार रोटी लबते हैं, तवा वो हमारे पास है या नहीं। गाइस एक तवा है तो सही, पता नहीं ये वही है या नहीं, ट्राई करते हैं। आया है जो सैलड बनाने के लिए प्रो है, वो ऐसा सैलड बनाता है जैसे मज्जो को डालने के लिए बनाते हैं, मोटा मोटा मोटा। प्यारी जे पतला ना होया ते रोटी मोटी कर दे, मैं कद्दूकस कर दूं तेरा ब्याह। नहीं तो पतला पतला स्लाइस से तो पतली कद्दूकस कर दूं ना, कद्दूकस नहीं करना, पतलियां स्लाइसेस करनी है। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਬਲੇਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਦੂਕਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। वो आई क्या के जंतर की मदद से बड़े अच्छे लच्छे बना दिए। आई रियली लाइक इट।
ओके सो गाइस अब ये बंदा ट्राई करेगा फूड एंड हमें बताएगा कि किदा दा बनया है दिखाता तू ही ना खा के खा लो रोटी का फ्लेवर आएगा पूरी 55 रुपए की थाली तेरी बनी है 55 रुपए की बस ये 55 डॉलर लगा है दोस्तों मेरे खाने का समय आ चुका है तंदूरी रोटी बन गई थी एंड जो मैंने अचार बनाया था वो भी मैं ट्राई करने वाली हूँ तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है खाने के लिए मेरे च बहुत वधिया तिखी है फ्यूचर में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे पर वधिया बन गया जो भी है ईजी रेसिपी ये हम मिर्चों का चार 50 रुपये पर किलो देंगे सारा कोई रुपया जी बेचोगे तो इतने कि कितना फर्क गुजारा होगा थोड़ा घर भी रुपया जी बेचने लग पो रुपया रुपया बहुत चार स्वाद बने मेरी अभी भी एडिटिंग चल रही है समय हुआ है 10:30 एंड हिम्मत एंड हस्बैंड मोस्ट प्रोबेबली सो गए हैं मैं आज जल्दी सोना चाहती थी पर हो नहीं पाया है क्योंकि जो मेरी एडिटिंग मैंने कर ली है वीडियो को सेव होने के लिए समय लगेगा फिर अपलोड होने के लिए लगेगा और सारा कुछ करने के बाद ही मैं जाऊँगी एंड देखते हैं कितना और समय लगता है एंड मैं अपने लिए ब्राउनी लेके आई थी जो अभी तक हमने फिनिश नहीं की है पर अब ये भी मेरा खाने के लिए मन नहीं है क्योंकि मैं कितनी देर तक एडिट कर रही थी और मीठा खाने के लिए मेरा एक टाइम होता है कि मेरा मन कर रहा है देन नहीं कर रहा है सो यार देखते हैं कितनी देर बाद फिनिश होता है सो आज के व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं आई होप आपने आज के व्लॉग को पसंद किया होगा अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बार में बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी एंड जब सब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे तो नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो को मिस नहीं करेंगे मैं कोशिश कर रही हूँ कि एवरी डे कुछ ना कुछ अपलोड करूँ एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं एंड अपना ध्यान रखें दोस्तों मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ एंड आई लव यू गाइस सो वेरी मच